बहुत अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ बिहार को ही नहीं पूरे राज्य को इस तरह का जो प्रावधान है मेडल लॉ नौकरी पाओ वो करना चाहिए। कभी सोचा नहीं था लेकिन इस बार ये कदम बिहार सरकार की इस कदम को देख करके मुझे डीजी सर का और बिहार सरकार को धन्यवाद देना जो है बेहतर समझते हैं। न्यूज़ फाउंडेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। मेडल लाओ और नौकरी पाओ के तहत आज जो बिहार सरकार है वो लोगों को मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत आज नियुक्ति पत्र बांट रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं तो पटना का ही रहने वाला हूँ। आपने कभी पहले सोचा था कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ के तहत बिहार सरकार नियुक्ति पत्र बांटे? पहले वैसे तो हम पहले नहीं सोचे थे लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ बिहार को ही नहीं पूरे राज्य को इस तरह का जो प्रावधान है मेडल लॉ नौकरी पाओ वो करना चाहिए। कितनी खुशी हो रही है जब आपके बच्चे को नौकरी मिलेगा? तो बहुत खुशी की बात है, ये बिहार के लिए खुशी की बात है कि उन बच्चों को नौकरी दी जा रही है जो मेडल लाया है अपने मेहनत से। क्या नाम हुआ? नाम पुकार से। सर यहाँ मुजफ्फरपुर से। आपने पहले कभी सोचा था कि बच्चों को मेडल लाओ और नौकरी? तो नहीं सोचे हुए थे लेकिन बहुत खुशी की बात है। खुश नहीं रहेंगे तो इससे अब एक और खेल रहा है। जी क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले? मोकामा ओंटा के निवासी। कैसा लग रहा है मेडल लाओ और नौकरी पाओ? बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है इसमें। आपने कभी पहले सोचा था कि बिहार सरकार ऐसी कदम उठाएगी? नहीं, कभी सोचा नहीं था लेकिन इस बार ये कदम बिहार सरकार की इस कदम को देख करके मुझे डीजी सर का और बिहार सरकार को धन्यवाद देना जो है बेहतर समझते हैं और बहुत खुशी की बात है। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ? अवधेश कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरपुर। आपने पहले कभी सोचा था कि बिहार सरकार अब खेलों को प्रोत्साहन देगी? नहीं नहीं, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था इतने दिनों में। तो 10 साल के अंदर में इतना बदलाव आया है, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, क्या नाम हुआ? संजय चौबे। कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरपुर। आपने कभी सोचा था पहले कि मेडल लाओ और नौकरी? नहीं, ऐसा नहीं। खुशी है? बहुत खुशी है, पहली बार ये योजना। बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौका दीजिए। हाँ जी जी। बहुत। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? भोजपुर जिला। आपने पहले कभी सोचा था कि मेडल लाओ और बिहार सरकार नौकरी भी देगी? नहीं, पहले तो ये नहीं सोचा था लेकिन बिहार सरकार इस पर ध्यान दे रही है, बहुत अच्छी बात है कि खिलाड़ियों को ये मौका मिल रहा है और नियुक्त किया जा रहा है उनको। ये बहुत ही देखकर अच्छा लगा। हमें चाहिए कि हर एक स्टेट के हर एक राज्य में ऐसे व्यवस्था हो कि खिलाड़ियों को आगे रखा जाए। और हम खुशी का तो अंदाज़ा ही नहीं है, खुशी बहुत खुशी हो रही है कि और हम खिलाड़ियों के साथ में हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं और गार्जियन भी थे उनका जो मेडल लॉ और नौकरी पाओ के तहत नियुक्ति पत्र बांटेगी। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार अब खेलों को प्रोत्साहन दे रही है, इसके लिए वे काफ़ी खुश हैं और बिहार सरकार को भी धन्यवाद कर रहे हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।